हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखिए स्लीव्स की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड पर जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नए नए वीडियो देख सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से स्लीव्स कट करके लिया हुआ है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की लंबाई हमने ली है 14.5 इंच लिया हुआ है और इसके जो बॉटम हमने ऊपर से चौड़ाई लिया हुआ है ऊपर से, तो यहाँ पर हमारा टोटल 9 इंच है और नीचे से हमारा जो इसका बॉटम है यहाँ पर 7.5 इंच लिया हुआ है। अब हम देखिए डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। देखिए सेंटर से कट करने के बाद हमारा स्लीव्स जो है वो दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो चुका है, ये देखिए। अब डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हम स्लीव्स को साइड में रखेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जो पेपर पेस्टिंग होता है हम उसे लेंगे और इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 3 इंच रखा हुआ है और इसकी जो लंबाई हम रखेंगे स्लीव्स का जितना रखेंगे तो हमारा स्लीव 14.5 इंच था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 14.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। और देखिए हमारा 14.5 इंच का हो गया। अब हम स्लीव्स को लेंगे और इस तरीके से रखते हुए एक बार मेज़र कर लेंगे कि हमारा स्लीव्स और ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा बराबर है और हमने देखिए जैसे हमने पेपर पेस्टिंग कट किया है उतने ही साइज़ का हमने एक और फैब्रिक इस तरीके से दो फैब्रिक कट किया और देखिए पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है और फैब्रिक इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे और रखते हुए हमें साइड से सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा एक साइड से हमारा सिलाई हो चुका है, आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस साइड में हमारा सिलाई हो चुका है, ऐसे ही हमें अभी दूसरे साइड में भी सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है सिलाई हो चुका है और अब हमारे यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया हुआ है। अब हम देखिए इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए येलो कलर का स्ट्रिप कट करके लिया हुआ है और हमने जो 3 इंच का स्ट्रिप कट करके लिया हुआ है उसको हम साइड में रखेंगे। और अब हम इसके देखिए इसकी जो हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी है यहाँ पर 1.5 इंच लिया हुआ है और एक ये हमारा देखिए लंबा सा स्ट्रिप है। देखिए अब हम इसे इस तरीके से एक साइड से और इस तरीके से दूसरे साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके साइड में हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी एक चपटी सी स्ट्रिप रेडी हो चुकी है, पतली सी। अब देखिए इसे इस तरीके से 2 इंच का मेज़र करते हुए हमें सभी स्ट्रिप को इस तरीके से 2 इंच पर कट कर लेना है, 2 इंच का। तो आपको कट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट हो चुका है येलो कलर का स्ट्रिप। अब हम इसको साइड में रखेंगे और हमने जो 3 इंच का कैनवास पेपर पर रेडी किया था उसको लेंगे और देखिए इसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से स्क्वायर फैब्रिक कट करके लिया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 3x3 का रखा हुआ है और देखिए इस तरीके से शेप में हमें ट्रायंगल शेप में लेना है और इस तरीके से रखते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। और देखिए इसके सेंटर में हमें देखिए जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसके सेंटर में हमें उसका देखिए इस तरीके से येलो वाला स्ट्रिप हमें रखना है जो 2 इंच का हमने कट करके लिया था। देखिए इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते। देखिए अब हमें देखिए जहाँ पर हमारा येलो वाला स्ट्रिप है वहीं पर हमें इसे रोकना है और देखिए हमें दूसरा फैब्रिक लेना है स्क्वायर वाला और इस तरीके से ट्रायंगल शेप लेते हुए हमें यहाँ पर इसे भी इसके ऊपर येलो के ऊपर हमें इधर देखिए ओवरलैप करते हुए हमें यहाँ पर रखना है। देखो आपको साइड में निकाल के दिखाते हैं। देखिए हमारा ये जो येलो वाला स्ट्रिप है इसके देखिए इस तरीके से हल्का सा ओवरलैप होना चाहिए ये फैब्रिक, देखिए इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए इसके सेंटर में आते ही हमें यहाँ पर येलो वाला स्ट्रिप फिर से रखना है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रिप रखना है और ऐसे ही जैसे हमने एक और रखा था वैसे ही हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप रखते हुए इसके ओवरलैप करते हुए इसके सेंटर में देखिए इसके सेंटर में हमें इस तरीके से हल्का सा ओवरलैप करना है इस तरीके से और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रिप लेना है और एक और इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमें यहाँ पर
फैब्रिक को रखना है और देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। तो ऐसे ही सभी स्ट्रिप को हम रेडी करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा जो एक साइड का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे साइड के डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से पतली सी स्ट्रिप कट करके लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई हमने ली है यहाँ पर 1.5 इंच रखा हुआ है। अब देखिए इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और देखिए डबल फोल्ड करते हुए हमें एक दाब की सिलाई लगानी है पूरे स्ट्रिप पर। आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा स्ट्रिप में जो है सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे पलटी करने के लिए इस तरीके से देखिए सुई धागे की मदद से इसे पलटी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे लॉक करना है इस तरीके से और लॉक करते हुए देखिए इसके बीच से हमें इस तरीके से सुई को निकालना है और दूसरे साइड से हमें इसे निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से हमें दूसरे साइड में इसे निकालना है और इसके देखिए आगे की तरफ से हमें थोड़ा सा फैब्रिक इस तरीके से खींचना है और पीछे की तरफ से हमारी पतली सी डोरी रेडी होकर तैयार होकर निकलेगी। देखिए इस तरीके से हमारा हमें आगे की तरफ खींचना है। देखिए हमारा ये पतली सी डोरी रेडी हो चुकी है। देखिए इस तरीके से हमें खींचना है और देखिए हमारा पतला सा डोरी रेडी हो चुका है। अब देखिए इस साइड में हमें डोरी लगानी है तो हम यहाँ पर देखिए मेजरमेंट इस तरीके से 4 इंच पर हमें इस तरीके से डोरी को कट कर लेना है। ऐसे ही हमें सभी 4 इंच पर डोरी को रखना है हमें। तो आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर 4 इंच की सभी स्ट्रिप डोरियाँ हमारी जो है कट हो चुकी है और देखिए अब हमें डोरी को लेना है और हमारा जो येलो कलर का हमने इस तरीके से पतली सी स्ट्रिप रेडी किया था उसके सेंटर से हमें इस तरीके से सभी डोरियों को निकालना है। तो देखिए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। जो हमने येलो कलर का स्ट्रिप रेडी किया था उसके अंदर हमें इस तरीके से डोरी को डालना है और दूसरे साइड में हमें इस तरीके से निकालना है। ऐसे ही हमें सभी डोरियों को रेडी करके आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सभी डोरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब देखिए डोरियों को हम इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। तो देखिए एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर डोरी जो है वो निकल चुका था तो हम फिर से डाल रहे हैं और इस तरीके से हमें हल्का सा क्रॉस लेते हुए देखिए यहाँ पर हल्का सा क्रॉस लेंगे और क्रॉस लेते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है सभी डोरियों पर। देखिए फिर से आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमें क्रॉस लेना है और क्रॉस लेते हुए हमें इस पर सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से हल्का सा क्रॉस लिया और हमें सिलाई करनी है। इसे हमें सभी स्ट्रिप को क्रॉस में हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है स्ट्रिप वो रेडी कर लिया है। अब हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम यहाँ से कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। देखिए अब हम अपना स्लीव लेंगे और देखिए स्लीव का एक पार्ट लेंगे और इस तरीके से हमें इसके ऊपर उल्टा रखते हुए देखिए इस तरीके से हमें उसे उल्टा रखना है और उल्टा रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे इक्वल मिलाया है और इक्वल मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है सिलाई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दाब सिलाई लगा लिया है। अब हम दूसरे साइड में इस तरीके से स्लीव को रखेंगे उल्टा करते हुए और इसके ऊपर भी हमें इस तरीके से 1/2 इंच का सिलाई लगा लेना है।
तो आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई हो चुका है, अब हम इस पर भी एक डाब सिलाई लगाएंगे, तो आपको डाब सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो स्लीव डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हम नीचे के साइड में इस तरीके से, देखिए ब्लू कलर का हमारा स्ट्रिप है 2 इंच का, ये देखिए 2 इंच का हमने चौड़ा स्ट्रिप कट करके लिया हुआ है और हम इसके नीचे साइड में लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है नीचे से स्ट्रिप को हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है। अब देखिए स्ट्रिप को इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए इस पर जहाँ पर हमने सिलाई की है उसी पर हमें रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। देखिए हमारा जो नीचे का स्ट्रिप है वो रेडी हो चुका है, ये देखिए रेडी होने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी स्लीव्स की डिज़ाइन कैसी लगी, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।